थर्ड, इन राइजिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ अ लेक टू द टॉप द टेम्परेचर ऑफ एन एयर बबल रिमेन्स अनचेंज. टेम्परेचर अनचेंज है, दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस ये बोल रहा है, बट इट्स डायमीटर गेट्स डबल्ड. यानी कि जब एक बबल ग्राउंड से सरफेस मतलब किसी सॉरी लेक के बॉटम से ऊपर की तरफ आता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और उसके अंदर जो चीज हो रही है कि डायमीटर बस जो नीचे था उसका डबल हो जाता है ऊपर जाते समय. इफ एच इज द बैरोमेट्रिक हाइट हाइट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है इसके अंदर, एट द सर्फेस ऑफ द लेक द डेप्थ ऑफ द लेक. ओके, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए अज्यूम करते हैं वी हैव दिस, यहां पर बबल है, इसका डायमीटर हमको डी दिया हुआ है और ये जब टॉप पर चला जाता है तो इसका जो डायमीटर हो जाता है 2d हो जाता है. अब देखिए क्योंकि बैरोमेट्रिक हाइट की टर्म्स में दिया हुआ है तो हम लोग पी नॉट को एक्चुअली में क्या लेंगे, एच रो एच जी, ये वाली चीज हम लोग लेते हैं इसके अंदर. ठीक है, h ले लेंगे, h हम लोग अभी हम लोग वो नहीं ले रहे 76 बट इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं. ठीक है, अब यहां पर जब इसके अंदर ये जो बॉटम पर है तो इसके ऊपर प्रेशर कौन कौन से लग रहे हैं, दो प्रेशर लग रहे होंगे, एक तो h रो एच जी इंटू जी प्लस कैपिटल h जो इस लेक की डेप्थ हम लोगों ने मानी है, h रो वॉटर इंटू जी प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्रेशर कितना है ऊपर की तरफ हमारे पास सिंपल एच रो वॉटर जी इंटू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम. आई एम सॉरी, इसके पास यहां पर हम लोग एक चीज और कर सकते हैं कि वॉल्यूम की जगह हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं, दैट इज 4/3 पाई डी बाय टू क्यूब और वो वहां पर कितना हो जाता है 4/3 पाई ट्वाइस ऑफ डी बाय टू क्यूब. डायमीटर का आधा होता है ना आर क्यूब होता है, उसकी जगह मैंने ये पुट किया. तो जब देखिए अगर हम ये ध्यान से देखें तो ये पूरी चीज यहां पे कैंसिल हो जाती है आपके पास और जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं पूरा. और एक चीज और देखिए, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी रो, यहां पर डेंसिटी रो की टर्म्स में हम लोग को एक्सप्रेस करना है यहां पर. तो अगर हम दोनों साइड्स को रो वाटर से डिवाइड कर देते हैं तो व्हाट वी फाइनली गेट इज इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास, सिंपली रो हो जाती है, दिस बिकम्स 1. ओके, एंड यहां पर आपके पास ये 1 हो चुकी होती है. ठीक है, तो अब इसको सब सॉल्व कीजिए तो डी क्यूब और यहां पर भी डी क्यूब हो जाता है, यहां पर 8/8 हो जाता है, 8 को भी हम लोग यहां पर कैंसिल कर सकते हैं. तो जब हम इस पूरी वैल्यूज को यहां पर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो कैपिटल एच की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ क्या चीज है, इफ एच इज द बैरोमेट्रिक हाइट डेप्थ ऑफ द लेक, तो डेप्थ ऑफ द लेक जो हमारे पास आता है दैट कम्स आउट टू बी योर 7 times रो एच इंटू एम. एम क्या है भैया, मीटर है. ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हुआ तो बेसिकली हम लोगों ने P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 अप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया. रिलेटिव डेंसिटी गिवन थी और वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास ये 7 rho h by into m आ जाते हैं. चलिए